हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो F27 Pro Plus फ़ोन है, तो ओप्पो F27 Pro Plus फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप OTG सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और OTG कनेक्शंस को कैसे आप सेट कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG सेटिंग्स को सेट कैसे करेंगे और OTG ऑन करके कैसे अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप OTG ऑप्शन को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। इसमें से आपके पास सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, सिस्टम सेटिंग्स आ जाएगा, जहाँ से आप अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं, कर पाएंगे। इसमें से आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्लाइड करते ही OTG कनेक्शंस, इसको ऑन करते हुए आप इसका यूज़ कर सकते हैं और OTG पेन ड्राइव को कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और कनेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन में। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, या सिंपली ऑफ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से भी OTG ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करते हैं OTG, तो सर्च करके भी डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं, और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में OTG सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। जो भी OTG कनेक्शन या सेटिंग्स को आप सेट करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।